सदगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा शहर के प्रसिद्ध आस्था के केंद्र हनुमान टोरिया मंदिर में विशाल शिविर लगाया गया। इस मौके पर लगभग 36 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, वहीं 300 लोगों का चेकअप किया गया। इस संबंध में समाज सेवी गिरिजा पाटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हर महीने की 26 तारीख को यहां पर विशाल शिविर लगाया जाता है, जिसमें आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और उनका सदगुरु नेत्र चिकित्सालय की टीम के द्वारा परीक्षण किया जाता है। जो भी लोग चिन्हित होते हैं उन्हें ऑपरेशन के लिए सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट भेजा जाता है और अच्छी व्यवस्था रहती है कि मरीज को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस बार स्वर्गीय बद्री प्रसाद एवं स्वर्गीय गुलाब रानी बरसैया की स्मृति में उनके पुत्र कमलेश बरसैया, नाती अमित बरसैया अर्पित के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है। नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों के लिए ये शिविर का आयोजन विगत 12 वर्षों से हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में ये 13वें वर्ष का 6वां आयोजन है और यह आयोजन नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी कमलेश बरसैया जी ने अपने माता पिता की स्मृति में आयोजित किया था और इस शिविर में आज लगभग 250 से 300 के बीच में मरीजों का परीक्षण हुआ है और लगभग 50 मरीज यहां से मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनको चित्रकूट ले जाया जाएगा और उनका ऑपरेशन सकुशल किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि ठंडियों में ही ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है कि अब मशीनों के द्वारा ऑपरेशन, लेजर के द्वारा ऑपरेशन होते हैं। तो हम उन मरीजों से आग्रह करते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं ठंडियों का, तो वो इस समय आए क्योंकि इस समय उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ नहीं रहती है, डॉक्टरों का अच्छा यहाँ पर देख रेख और सारी चीज़ें ऑपरेशन से लेके सारी व्यवस्थाएँ अच्छी रहती हैं। तो आप लोग हर महीने ऑपरेशन कराएं, ऐसा हमारा लोगों से आग्रह है। और जो लोग इस शिविर में नहीं दिखा पाए किसी कारण, अगली मई की 26 को पुनः ये शिविर आयोजित किया जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सहयोगियों का जो इस शिविर में अपना विशेष सहयोग देकर इस शिविर को